मसूद अजहर का दावा, एनडीए सरकार ने की मसूद के बदले तालिबान के मंत्री को पैसे देने की पेशकश। इस्लामाबाद में हाफिज की रैली में मसूद अजहर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भेजा था संदेश। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का सिंगापुर में बयान, पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते फिलहाल बंद। पर्रिकर के बयान पर सरताज अजीज ने चली चाल, बातचीत टूटने के लिए भारत पर फोड़ा ठीकड़ा। पाक के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, पाकिस्तान के दोस्त देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती को पाक के लिए बताया खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात कतर से स्विट्जरलैंड पहुंचे, जनेवा में आज पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति की होगी मुलाकात। दोपहर में कारोबारियों संग पीएम मोदी करेंगे प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, बाद में अमेरिका के लिए होंगे रवाना। दोहा में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कई लोगों की मिठाई खाने की आदत बंद कर दी इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। दोहा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े काम होना बाकी, अभी सतही तौर पर हो रहा है काम। मोदी ने कहा सूखे के बावजूद देश की विकास दर बढ़ी, 7.9% जीडीपी होना इस बात का सबूत है कि देश तेजी की गति से आगे बढ़ रहा है। साध्वी प्राची ने मथुरा हिंसा की निंदा की, सीबीआई जांच कराने की मांग, समाजवादी पार्टी पर नवाजवादी पार्टियों ने लगाया आरोप। साध्वी प्राची ने यूपी में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर जाहिर की अपनी मंशा, योगी आदित्यनाथ को बताया पहली पसंद। फिरोजाबाद की में सरकारी देखरेख में रखे गए मथुरा के जवाहर बाग से लाए गए 23 बच्चे, ज्यादातर बच्चों के माता पिता को भेजा जा चुका है जेल। बच्चों ने खोली मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की नियत की कलाई, बंधक लासा। एक महीना हो गया था वहाँ गए, फिर वहाँ से कहा गया कि देख लो आकर के, बाद फिर चले जाना, वहाँ से बाद में आने नहीं दिया। मथुरा में हुई खूनी हिंसा पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अमरोहा में किसान स्वाभिमान रैली में बोले राजनाथ, 2 साल से 3,000 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा था लेकिन सरकार कुछ नहीं दिखा सकी। आज तक के कैमरे में कैद हुआ रामवृक्ष के आतंक का अड्डा, मथुरा के जवाहर बाग में बिखरे पड़े सैकड़ों गैस सिलेंडर और बैटरी का जखीरा। मथुरा में हुई हिंसा पर सियासत तेज, जवाहर बाग में जाने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की एसपी रिहाद से हुई नोकझोंक, पुलिस ने अंदर जाने की नहीं दी थी इजाजत। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के कांग्रेस की बागडोर संभालने की वकालत की, बोले इससे उनकी पूरी टीम टेक ओवर करेगी। जयराम रमेश ने कहा राहुल उसी तरह कांग्रेस की सत्ता में कराएंगे वापसी जैसे 1998 में सोनिया ने किया था। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल सरकार नहीं होने देंगे बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा। मंत्री उमा भारती ने दिल्ली में यमुना की सफाई का लिया जायजा, पर्यावरण के मुद्दे पर श्री रविशंकर को दी क्लीन चिट। उमा भारती ने कहा एनजीटी के फैसले पर कुछ नहीं कहूंगी लेकिन सच्चाई यही है कि श्री शीशी ने इस इलाके को बनाया स्वच्छ, अब यहां बने उद्यान। हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते मुनक नहर पर कड़ा सुरक्षा पहरा, पुलिस के साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मुनक नहर से रोजाना 4,700 क्यूसेक पानी दिल्ली भेजा जाता है, फरवरी में हुए आंदोलन प्रदर्शनकारी ने रोक दिया था दिल्ली का पानी। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के 15 जिलों में धरने पर बैठे जाट, सोनीपत में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, शांति की अपील की। मुरथल में इस बार जाट आंदोलन को लेकर सख्त सुरक्षा, 75 जवानों की तैनाती। कल रात दिल्ली में लोनी बॉर्डर पर आरक्षण की मांग को लेकर जाट प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 32 साल पूरे होने पर पंजाब में कड़ी सुरक्षा, गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान समर्थकों का हंगामा। खालसा और कुछ अन्य संगठनों ने अमृतसर बंद का किया ऐलान, अकाल तख्त से संदेश देना चाहते थे खालिस्तान समर्थक। एहतियात के तौर पर अमृतसर में 2200 पुलिसकर्मी तैनात, अकाल तख्त ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। झारखंड के चाईबासा में 12 राइफल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती को राज्य चुनाव आयोग का नोटिस, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। फर्जी टॉपर्स मामले में बिहार बोर्ड और सरकार ने बनाई 2 अलग अलग जांच कमेटी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज तक के खुलासे पर बोले नीतीश कुमार, अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई, आगे से ऐसा ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। अशोक चौधरी ने आज तक से कहा जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने माना सिस्टम में खामी, कहा बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे लोगों की होगी जांच।
बिहार बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने लगाई आज तक की मुखबर पर मोहर। दोबारा लिए गए टेस्ट में 12वीं साइंस का टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल। मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री ने पेड़ों की अहमियत बताने का निकाला नया नुस्खा। गंजे सिर पर डलवाया पानी। मंत्री जी फिर बालों वाले शख्स के सिर पर डलवाते हैं पानी, फिर समझाया कि पेड़ नहीं होने होंगे तो मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा। राजस्थान के अलवर में विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान, दो नंबर के पैसे को करता हूं दान पुण्य में खर्च। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने राज्य में जंगल राज नजर आता है, ट्वीट में लिखा दिल्ली में है कंप्लीट जंगल राज। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में आगे लिखा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली में कानून व्यवस्था स्थापित करने में पीएम मोदी और एलजी नाकाम रहे, बताएं आखिर इसके लिए क्या किया जाए। राजधानी दिल्ली में तिहरे हत्याकांड से सनसनी, ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर से मिले तीन महिलाओं के शव। तीन मंजिले मकान के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर पड़े थे 50 साल की महिला और उसकी 19 साल की और 9 साल की दो बेटियों के शव। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में एक शख्स से हाईवे पर दिन दहाड़े 3 लाख की लूट, मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गाजियाबाद के खोड़ा में अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारियों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना में दो लड़के डूबे, गोताखोरों ने एक का शव बरामद किया। उधम सिंह नगर के डीएम की नोएडा के मॉल में हार्ट अटैक से मौत, 29 साल के अक्षय गुप्ता अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए निकले थे। दिल्ली में वाहन चोरों का खौफ, एक घंटे के अंदर दो इलाकों में चोरी। बैंगलोर में 64 साल के प्रोफेसर की सरेआम पिटाई, 27 साल की छात्रा से शादी से नाराज थे परिवार वाले। कानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसा चोर, मालिक का मोबाइल चुरा कर निकला, कैमरे में कैद तस्वीरें। इंदौर में टूटा रफ्तार का कहर, जैगवार ने वैगनार को मारी टक्कर, दोनों कार के ड्राइवर घायल। अनंतनाग में शनिवार को हुए आतंकी हमले का सामने आया मोबाइल वीडियो, हमला करके भागते नजर आए दो आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल वीडियो में कैद आतंकियों की पहचान की, एक आतंकी खुदवानी इलाके का, दूसरा पाकिस्तानी होने की बात। आतंकियों ने बस स्टैंड पर पुलिस पार्टी पर किया था हमला, अंधाधुंध फायरिंग में एएसआई समेत दो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। मध्यप्रदेश के छतरपुर में रोड रेज में एक युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का शव के साथ प्रदर्शन। भोपाल के साकेत नगर में प्रेमिका ने की प्रेमी की चाकू कोत कर हत्या, पुलिस को देख कुएं में कूद कर जान देने की कोशिश की। मथुरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो मजदूर हुए घायल। बिहार के दरभंगा में एक मरीज की मौत के बाद नर्सिंग होम में बवाल, गुस्सा है परिजनों ने की तोड़फोड़, बोलेरो गाड़ी जलाई। यूपी के कासगंज में नाबालिग लड़की से दो दो बार रेप, पंचायत ने 50,000 का जुर्माना लगाकर पीड़ित परिवार को मुंह बंद रखने को कहा, केस दर्ज। यूपी के भदोही में खेत में पानी भरने को लेकर विवाद में दलित युवक को मारी गई गोली, बुरी तरह घायल शख्स को वाराणसी रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में पेड़ से टकराई बेकाबू बस, हादसे में एक की मौत 12 घायल। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, पुलिस मुख्यालय के सामने चेन छीनने की वारदात। आईटीओ मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ रहा था एक परिवार, बाइक सवार महिला की चेन छीन कर फरार। दिल्ली में डिश टीवी के सर्विस सेंटर में हंगामा, दो दर्जन बदमाशों ने जमकर मारपीट की। मोबाइल फोन और काउंटर में रखे कैश को लेकर भागे बदमाश, पूरे सेंटर में तोड़फोड़। अपने साथ सर्जिकल ब्लेड लेकर आए थे बदमाश, 3 से 4 लोगों किया जख्मी, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने गोदाम के मालिक को बनाया निशाना, बंधक बनाकर लूटे 3 लाख रुपए, पैर में मारी गोली। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर आभूषण से भरे ट्रक लूट केस को पुलिस ने सुलझाया, 6 बदमाश गिरफ्तार, 17 किलो सोना, 32 किलो चांदी बरामद। जालौर में भीमाल में बोरवेल में गिरी 19 महीने की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधमपुर में जंगल में लगी आग, 9 हेक्टेयर में फैली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तेंजिन संगई चुनी गई मिस तिब्बत, धर्मशाला में हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। विशाखापट्टनम में पर्यावरण दिवस पर लेफ्ट ने उठाया औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा, किया प्रदर्शन। असम में सरकार ने तंबाकू के खिलाफ चला जागरूकता अभियान, लोगों से की तंबाकू उत्पाद नहीं खरीदने की अपील। राजौरी में पर्यटकों को लुभा रहा है नया टूरिस्ट स्पॉट नानगा, आदिवासी बस्ती वाला इलाका। पवित्र माह रमजान आज से शुरू, रोजे से पहले हैदराबाद में बाजार में छाई रौनक, खरीदारी में जुटे लोग। हैदराबाद में पिस्ता हाउस ने खोली हलीम ऑर्गेनिक ब्रांच, महंगे लेकिन बेहतर उत्पाद का क्या दावा। राजस्थान के झुंझुनू में तेंदुए ने मचाया आतंक, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू में किया। गुजरात में गिर के जंगलों के दौरान देखा दुर्लभ नजारा, भैंस के डर से भागी शेरनी।
सफारी के बीच सड़क पर आया भैंसों का झुंड, एक भैंस ने शेरनी को दूर तक दौड़ाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पानी की तलाश में निकली एक जंगली बिल्ली कुएं में गिरी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में चलाया गया जागरूकता मिशन, राज्य में करीब 1 लाख वृक्षारोपण कराया गया। आज से दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर 1 रुपए से 5 रुपए खर्च कर मिलेगा ठंडा पानी, दिल्ली मेट्रो चीफ मंगू सिंह ने की योजना की शुरुआत। अपनी जरूरत के हिसाब से टोकन लेकर यात्री ले सकते हैं पानी, मेट्रो का पी लो योजना के तहत ठंडा और साफ पानी देने का वादा। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता सिंह सम्मानित, मिला नारद सम्मान। पत्रकार श्वेता सिंह को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने नारद सम्मान से किया सम्मानित। क्रीमिया में रूसी वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास, फाइटर विमानों से बरसाए बम, हेलीकॉप्टरों ने भी दिखाई करता था। श्रीलंकाई सैनिकों ने एक बोट के साथ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार, रामेश्वर रम में रहने वाले सभी मछुआरे। ढाका में आतंकियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट बाबुल अख्तर की पत्नी को मारी गोली, मासूम बच्चे समेत मातम में डूबे परिजन। ढाका में आईएसआईएस आतंकियों ने ईसाई दुकानदार को फांसी पर लटकाया, बानपारा इलाके में हुई वारदात। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक साथ आतंकी हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ने रैली का उगला जहर, ड्रोन हमले में मारे गए मुल्ला मसूद की मातम रैली में जमा हुए हाफिज ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर साधा निशाना, परमाणु बम की दिखाई धौंस। मुंबई के मास्टरमाइंड का बयान, भारत की जमीन से अमेरिका ने किया ड्रोन हमला तो हर शहर में पाक करेगा ड्रोन अटैक। हाफिज ने भारत ईरान चाबहार पोर्ट समझौते को बताया पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा, चीनी कॉरिडोर की रक्षा के लिए किया युवाओं का आह्वान। कंधार हमले में छूटे आतंकी मसूद अजहर ने उड़ाया पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह का मजाक।